दोस्तों आज की कहानी है अंडे खाने वाली बहू। सलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। सत्य नारायण जी विशुद्ध ब्राह्मण थे। उनका पूरा परिवार सहकारी था। खान पान में विशेष शुद्धता का ख्याल रखा जाता था। बाहर का खाना खाने में भी वो परहेज करते थे। ऐसे धर्म कर्म व सत्संगी परिवार में बहू आ गई अंडा हरी। मतलब अंडे खाने वाली बहू अब बहू अंडा अरे कैसे आ गई। इसकी भी एक कहानी है। सत्य नारायण जी का सबसे छोटा बेटा रियांश बेंगलोर पढ़ाई करने गया था। वहीं कॉलेज में रियांश की मुलाकात ऋषिता तिवारी से हुई। रितिशा भी हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी। उसकी रूम में डेर ठाकुर थी और उबले अंडे बड़े साव से खाती थी। कहती थी अंडा संपूर्ण भोजन होता है, इसमें कई तरह के पोषण तत्व पाए जाते हैं। फिर कैंटीन का खाना कितना भी बेकार क्यों ना हो, अंडा हमारे पोषण को पूरा कर देता है। बस यही बात रितिशा के मन में घर कर गई। उसने पहले पल जब अंडा सक कर देखा तो उसे कुछ खास पसंद नहीं आया, पर सहेलियों के साथ ने उसे भी अंडे की लत लगा दी थी। अब तो उसका एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि जब वो उबला अंडा ना खाए। रियांश की शादी रितिशा तिवारी से विवाह होने में कोई बाधा नहीं आई। दोनों समान जाति के थे, पढ़े लिखे थे, एक दूसरे की पुरख थी। अंडे वाली बात दोनों गोल कर गई। ऋषिता के घर वालों को भी नहीं पता था कि उनकी बेटी अंडे की शौकीन है। तो इस तरह दुल्हन के रूप में सजी धजी रितिशा रियांश के घर आ गई। जब तक घर रिश्तेदारों से भरा रहा तब तक तो रितिशा सुप लगाकर बैठी रही। पर जैसे ही भीड़ सूटी रितिशा ने अंडा खाने की इच्छा अपने नए नवेले पति रियांश पर प्रकट की। मरवाओगी क्या, बहू जी विशुद्ध सहकारी ही, प्याज लहसुन तक नहीं बनता हमारे घर पर। और तुम जब तक यहाँ हो अंडा भूल जाओ समझी ना, रियांश ने धीमी आवाज में डांट लगाते हुए कहा। मगर ऋषिता तो ऋषिता थी, अपने पति का दिमाग खा लिया था और कहा कि सुपके से उबले अंडे मुझे ला कर देना, सिलके सिलवा कर लाना, मैं अपने कमरे में सुप साप गटक लूंगी। आखिर रियांश ने सुपते सुपाते उसे सिले हुए उबले हुए अंडे ला कर दे ही दिए। बस फिर क्या था, ऋषिता ने अपने कमरे में पैकेट खोला और नमक लगाकर सटकाने लेकर अंडे खाने लगी। तभी कहीं से दौड़ता हुआ सासी सासी करते हुए रियांश का सवर्षीय भतीजा आ टपका। उसने रितिशा को अंडे खाते हुए देख लिया, रिसिता की तो सांस अटक गई। आधा अंडा अंदर आधा अंडा बाहर, सासी ये क्या खा रही हो आप, ये क्या खा रही हो, भतीजे ने पूछा। यही अरे कुछ नहीं, ये सफेद आलू है बेटा, रिसिता ने जल्दी से बहाना बना दिया। अच्छा मुझे भी दो, मुझे भी खाने हैं सफेद आलू, भतीजे ने बाल सुलभ जिज्ञासा वंश में कहा। रिसिता धर्म संकट में पड़ गई, छोटे बच्चे को कैसे अंडा खिला दी। सासी दो ना बस एक वाइट, मुझे भी सकना ही, कोई और खाने की चीज होती तो फट से मुन्ने को दे देती, बच्चों को भी कोई मना करते हैं खाने पीने की चीज के लिए। भला अब क्या करूं, रिसिता ने मन में सोचा। अच्छा ये सफेद आलू मैं तुझे खिला देती हूँ, पर तुम प्रॉमिस करो बाहर किसी से भी नहीं कहोगे कि तुमने मेरे कमरे में सफेद आलू खाए हैं। सासी मैं किसी को नहीं कहूंगा, ये हम दोनों का सीक्रेट होगा, डन सासी डन। ऐसा कहकर भतीजे ने सासी प्रॉमिस वाले अंदाज में मोटी से मोटी बिड़ाई। अब तो सासी और भतीजे की जोड़ी बन गई। दोनों कमरे में बैठकर दोनों स्वाद ले लेकर सफेद आलू खाते थे, पर बाहर दोनों सुप रहते थे। एक दिन पूरा परिवार का बाहर घूमने का प्रोग्राम बना। भतीजा सासी की ही उंगली पकड़े पकड़े चल रहा था, तभी सामने एक अंडे की दुकान आ गई।
दुकान में एक के ऊपर गोल गोल अंडे, सुंदर सुंदर अंडे सजे हुए थे। उन्हें देखते ही छोटे से भतीजे की जुबान पर स्वाद आ गया। उच्चा से भतीजा सिलाकर जोर से बोल पड़ा, सासी वो देखो कितने सारे सफेद आलू। सारे परिवार के लोग फौरन भतीजे की ओर देखने लगी। रीतिसा के सेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अब खुली पोल की तब खुली, तू कैसे जानता है ये सफेद आलू, भतीजे की माँ ने पूछा। भतीजा सासी का मुंह देखने लगा। सासी अपने पति का मुंह देखने लगी। पति कभी ऊपर कभी नीचे देखता, तो कभी दाहे कभी बाहें देखने लगा। सत्यनारायण जी बिना कुछ कहे ही बिना सुने ही सब समझ गए। कहानी का पटापेक्स सिर्फ पोल खुल जाने पर भी नहीं है। घर आकर इस मुद्दे पर अच्छा खासा संग्राम हुआ। बेटा बहू को धर्म भ्रष्ट करने की लानत दी गई। अंत में क्या किया जाता, जैसा था वैसा ही स्वीकार किया गया। तय ये हुआ कि बहू ससुराल में अंडा नहीं खाएगी। बेटा बहू जब काम पर वापस अपने शहर जाएंगे तब वो वहाँ खा सकती है। इस पूरे प्रकरण में वो छोटा सा भतीजा बस यही नहीं समझ पा रहा था कि सफेद आलू खाने पर सासी को इतनी क्यों डांट पड़ रही है। दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी अपना राज घर वालों से नहीं छुपाना चाहिए। जो भी बात है हमें बिंदास बोलनी चाहिए ताकि हमें लिस्ट में जाकर शर्मिंदा ना होना पड़े। इसलिए दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको यही प्रेरणा देती है कि हमारी फैमिली से या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से हमारा कोई भी सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, वरना हमें बाद में शर्मिंदा होना पड़ सकता है। दोस्तों, ये आज की कहानी की प्रेरणा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे मेरे साथ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।